हे गाइस, आज के दिन हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है माई चाइल्ड लेविंसबॉर्न। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये इंट्रो मैं गेम खेलने के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ये सारी चीजें इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मेरे को तुम लोग को बतानी है। आज के दिन ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ ये बहुत ही अलग गेम है, इस तरीके का गेम मैंने कोई खेला नहीं है। ये जो गेम है साइज से आपको बहुत ज्यादा दिल पे लग सकता है क्योंकि इस गेम के अंदर हम लोग को एक स्टोरी पता लगेगी क्लॉज की। तो क्लॉज जो है वो एक अनाथ बच्चा है जिसको मैं अडॉप्ट करता हूँ इस गेम में। एक्चुअली ये गेम जब मैंने स्टार्ट किया था वहीं पर जो है ना अपने को जो है एक वार्निंग भी दी जाती है कि इस गेम में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे कि बुलिंग एंड असोल्ट हो गया। तो ये सारी चीजें मैं तुम लोग को वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बताना चाह रहा था कि ये गेम थोड़ा सा बड़ा है एंड इसके अलग अलग एपिसोड्स मेरे को बनाने पड़ेंगे। एक्चुअली सच्ची में ये गेम मेरे को बहुत दिल पे लगा है एंड ये वीडियो अगर तुम लोग देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखना एंड इफ तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके और भी एपिसोड्स बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करना। अभी तुम लोग वीडियो एंजॉय करो। कंटेंट वार्निंग: दिस गेम कंटेन्स सेंसिटिव मटेरियल सच एज बुलिंग एंड रेफरेंस टू असॉल्ट दैट विल डिस्ट्रेसिंग टू सम प्लेयर्स। ओके, सो इस गेम में गाइस हम लोग स्टार्टिंग में ही एक वार्निंग दी गई है कि ये जो गेम है इसके अंदर बहुत से लाइक सेंसिटिव मटेरियल है, जैसे कि बुलिंग, जैसे हमारे स्कूल में लाइक बच्चे अपने को परेशान करते हैं लाइक बुलिंग हो गया एंड कुछ असॉल्ट की रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई थिंक ये गेम ज्यादा सैड सा होने वाला है मेरे हिसाब से, बट ये गेम का स्टोरी बहुत अच्छा है मैंने ऐसा सुना है। 1940 वर्ल्ड वॉर टू रेजिस अक्रॉस यूरोप। वर्ल्ड वॉर टू जो है ना वो अरे बहुत जल्दी चला गया, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है एंड नॉर्वे ने जो है ना सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है 1945 में, 5 साल के बाद जब द साइंस ऑफ नाजी ऑक्यूपेशन कैन बी स्क्रब्ड अवे 3 ईयर्स लेटर यू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ओके गाइस, बात कुछ ऐसी है कि इस गेम के अंदर वॉर हो रहा था, ठीक है, जर्मनी का जो तुम लोग को और याद होगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद हम लोगों ने एक बच्चे को जो है ना अडॉप्ट किया है जिसका नाम है क्लॉस। ओके, तो अभी तक हम लोग स्टोरी समझ गए हैं। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था एंड क्लॉस के पेरेंट जो है ना उस वॉर में खत्म हो गए या कुछ भी हो गया एंड जो क्लॉस है उसको हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं अभी। ओके, अडॉप्ट क्लॉस, हम लोग फादर बन गए गाइस। 1951 क्लॉस हमारे घर पे आ गया है, उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा है, उसको गिफ्ट भी दिया हम लोगों ने क्रिसमस पे। हेलो क्लॉस, आई एम होम, मैं घर पे हूँ। ओके, आई थिंक यही क्लॉस है, हम लोग घर पे आ चुके हैं। ओके, इसमें हम लोग पास क्वेश्चंस है। हे, डिड यू हैव फन विद लिव, क्या तुमने लिव के साथ फन किया? हाय क्लॉस, वाज लिव नाइस टू यू? आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गेट यू रेडी फॉर बेड। सो मैं जस्ट अभी घर पे आया हूँ, मेरे सामने क्लॉस है, ठीक है, एंड उससे हम लोग 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्लॉस क्या तुमने लिव के साथ मजा किया, या क्लॉस क्या लिव तुम्हारे साथ अच्छी थी, या मैं उससे बोलूं कि मुझे लेट हो रहा है, मतलब कि जल्दी से तुम बेड पे जाओ, ठीक है, बेड पे सो जाओ जाके ऐसे करके। तो बेड पे जाना गलत होगा, तो मैं इससे यही बोलता हूँ कि क्या लिव के साथ मजा आया, क्योंकि ये बाहर से घूम के आया है। ओके, यप, वी हैड सो मच फन, लिव इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके, इसने लिव जो लड़की है या लड़का है, आई डोंट नो, लिव लड़की का नाम लग रहा है, तो लिव इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई अभी, इसने बहुत ज्यादा मजा किया उसके साथ। वी फाउंड दिस कूल एंड काइंड ऑफ क्रीपी लुकिंग ट्रीज स्टंप इन द फॉरेस्ट। ओके, इन लोगों ने कोई ट्रीज भी फाइंड किए, इट लुक लाइक देयर कुड बी अ ट्रेजर देयर, रियल ट्रेजर। ओके, इसको लगता है वहां पे कोई खजाना हो सकता है। बट देन इट स्टार्टेड टू रेन, फिर बारिश होने लगी, बट वी गार्डेड अवर ट्रेजर एनीवे। तो इन लोगों ने जो इनका खजाना था उसको लाइक ढक दिया है इन लोगों ने, बारिश होने लगी थी इसके चक्कर में। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी बात को लिसन करूं या मैं इससे बोलूं कि तुम कितना बहादुर हो, इट्स गेटिंग लेट, मतलब इसकी बात को मैं यहीं पे खत्म कर दूं। मैं सुनता हूं एक्चुअली, वो कुछ मेरे से बोल रहा है तो मैं पूरी बात सुनता हूं, वही अच्छा है, मतलब दैट्स व्हाट फादर्स डू, लिसन करता हूं मैं पूरी बात। एंड देन वी फाउंड आउट ट्री स्टंप वाज एम्प्टी, एंड फिर हम लोग को पता लगता है कि उस ट्री में कुछ था ही नहीं। बट मे बी द ट्रोल्स माइट पुट सम ट्रेजर देयर लेटर, बट क्या पता कि वहां पे बाद में हम लोग को कोई खजाना मिल जाए, कोई रख दे। सो वी आर गोना गो बैक एंड चेक लेटर, तो हम लोग वापस जाएंगे एंड वहां पे देखेंगे। तो ये सब जो क्लॉज है वो हमें बता रहा है, मुझे बता रहा है, मतलब क्योंकि मैं उसका पापा हूँ। माई गुडनेस, दैट्स अमेजिंग। हम लोग के पास दोबारा से 3 ऑप्शन है, अभी तक तुम लोग समझ गए होगे, ये 3 ऑप्शन हम लोग को मिलते हैं कि हम लोग उसको
क्या बोलेंगे, ठीक है। तो तीन ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन हमेशा खराब होता है कि बारिश में ऐसे भागना मतलब घूमना अच्छा नहीं, अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन मैं इसको ऐसे सीधे बोलूंगा तो गलत चीज है। तो मैं इससे बोलता हूँ माई गुडनेस दैट्स अमेजिंग, क्योंकि इसको लिप के साथ मजा आया है, लगता है इसने बहुत एंजॉय किया, तो इसको बुरा नहीं बोलेंगे अभी कुछ, हम बोलेंगे माई गुडनेस दैट्स अमेजिंग, या इट वॉज अमेजिंग, इट्स kind of late, या द सन ऑलमोस्ट गोन अवे ऑलरेडी, सन सूरज ऑलरेडी जा चुका है, लेट हो गया है अभी, बट या यू हैव टू सी दिस, ओह लुक लिप गेव मी अ प्रेजेंट फॉर माय बर्थडे टुमारो, ओके क्लॉस का कल बर्थडे है, लिप ने इसको एक प्रेजेंट दिया है, कैन आई ओपन इट नाउ, आई थिंक इसको अभी नहीं खोलना चाहिए, मैं इससे बोलता हूँ कि बर्थडे तक का वेट करो, क्योंकि लिप ने इसको गिफ्ट दिया है तो लिप को बुरा लगेगा अगर ये जल्दी खोल लेता है, मैं इससे बोलता हूँ कि बर्थडे तक का वेट करो, ओके इफ यू से सो, भाई कितना प्यारा बच्चा है, मेरी बात सुन रहा है यार, एक्चुअली यू आर नॉट गोइंग टू द स्टडी आर यू, ये मेरे से पूछ रहा है क्या मैं स्टडी करने को जा रहा हूँ या नहीं, इट्स सो बोरिंग व्हेन यू गो देयर एंड यू प्रॉमिस मी आवाज, ये बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ जब तुम वहां पे जाते हो, एंड आपने मेरे को वादा किया है कि आप मेरे को हनवाओगे आज, तो हम लोग को इसको नहलाना है, ओके हम लोग बेड आ गए, इसको यहाँ पे बिठार देते हैं, ये शोपरा मेरे पास, हम लोग गाइस क्लॉस को नहला रहे हैं, क्लॉस हमारा प्यारा सा बच्चा है, हम नहला देते हैं, सो इज इट टाइम फॉर डिनर सून, वो पूछ रहा है कि डिनर का टाइम हो गया क्या, यस एक्चुअली डिनर का टाइम हो गया, अभी मैं खाना खिलाता हूँ, हेलो क्लॉस डिनर करने के लिए यहाँ पे बैठ जाओ, तो इसको खाना मेरे को चूज करना है कि मैं इसको खाने में क्या दूं, ये ब्रेड दूं या ये दूं, ओ अपने हाथों से मैं खिला रहा हूँ गाइस इसको, कैन आई हैव सम मोर प्लीज, यस मेरे से ये और मांग रहा है, यस नाइस रात होने लगी, इसलिए नेट नाउ इवन द सन गॉन टू बेड, सन गॉन टू बेड, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अभी मैं इसको सुला देता हूँ, ओके इसको बेड पे ले जाते हैं एंड बेड पे सुला देते हैं, ओ आई वांट टू फॉल एस्लीप राइट नाउ देन टुमारो विल बी मोर क्विकली, ओके आई विल बी ऑल ग्रोन अप, आई एम सो एक्साइटेड, नाइस भाई बच्चा कितना ज्यादा एक्साइटेड है, लिप गॉड कल इसका एक्चुअली बर्थडे है तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कल के लिए, लिप गॉड 3 whole presents फॉर हर बर्थडे, हाउ मेनी विल आई गेट, तो मेरे पास दोबारा से 3 options है, एक्चुअली मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको भी बहुत सारे प्रेजेंट्स मिलेंगे, आप चिंता मत करो, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन अच्छा है, ये ओ आई कांट वेट, भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये बच्चा, सो गया क्लॉस गाइस, ये गाइस फोटोज है हमारे पास, कोई ये क्लॉस की फोटोज है, क्लॉस को जब हम लाए थे तब इतना छोटा था, फिर उसको हम लोगों ने ऐसे किया, उसके ये बर्थडे वगैरह की फोटोज हैं, क्यूट, ओके मैं क्लाउस के पास जाता हूँ दोबारा, व्हेन यू आर रेडी टू एंड द डे गो टू क्लाउस बेडरूम एंड टैप द लैंप, ओके जब हम डे को एंड करना चाहें तो क्लाउस के रूम में जाके जो है ना उसकी जो लैंप है ना उसका लाइट को टर्न ऑफ कर देना है मेरे को, मैंने सेव कर दिया, एंड अभी है अगस्त 18, अभी है क्लाउस का बर्थडे, ओह गुड मॉर्निंग क्लाउस, जल्दी से अपना चेहरा साफ करो, ये बिल्कुल नए लड़के लगो, आज के दिन तुम्हारा बर्थडे है, इट्स माय बर्थडे, यस आई बेरली स्लेप्ट ऑल नाइट, भाई कैसे भी जिसका बर्थडे होता है ना उसको रात में नींद नहीं आती है, आई एम 7 years old now, 7, डू आई लुक डिफरेंट, वो मेरे से पूछ रहा है क्या मैं अलग दिख रहा हूँ, तो वो क्लाउस इज दैट यू, आई ऑलमोस्ट डिडंट रिकॉग्नाइज You. थोड़ा थोड़ा सा आप चेंज हुए हैं क्लाउस, क्या पागलपंती करते हो क्लाउस, तुम थोड़े से भी चेंज नहीं हुए हो रात में, ये लास्ट वाला बहुत ज्यादा खराब है, मैं बोलूंगा ये फर्स्ट वाला बोलता हूँ अच्छा लगेगा उसको सुन के, I'm all grow up, मैं बड़ा हो गया, नाइस, लिव वाज सपोज्ड टू सेंड मी अ बर्थडे लेटर, ओके लिव इसको एक बर्थडे लेटर भेजने वाली थी, कैन वी गो सी, यस हम लोग जाके देख सकते हैं बर्थडे लेटर, कहाँ पे होगा बर्थडे लेटर, बर्थडे लेटर, सॉरी कांट बी देयर, कांट वेट फॉर स्कूल टू स्टार्ट सो वी कैन हैंग आउट एवरी डे, यू आर द बेस्ट लिव, पीएस आई टच द ट्रोल यस्टरडे, इट्स अ लेटर फ्रॉम लिव, भाई खुश हो गया लिव का लेटर देख के, आई विश आई कुड प्ले विद लिव टूडे एंड एवरी डे, मैं चाहता हूँ कि मैं लिव के साथ हर दिन खेल पाऊँ, आज भी खेल पाऊँ, लेकिन सी इज विजिटिंग हर आंट, ओके वो अपने आंट को विजिट कर रही है, ओके अभी लिव का ये प्रेजेंट है, वो अभी आंट के घर पे है इसलिए लिव हमारे घर पे नहीं आ पाई, लिव्स प्रेजेंट आई नियरली फॉरगॉट, आई कैन ओपन इट नाउ राइट, यस अभी ओपन कर सकते हो आप, एक बॉल है, वूहू इट्स अ बॉल, माय वेरी ओन बॉल, कैन आई गो प्ले विद इट, यस ब्रो जाके खेल सकते हो आप, ओह खेल रहा है भाई ये,
नाइस, हम लोग खिला रहे हैं भाई क्लाउस को। सो व्हाट, अभी हम लोग क्या करें? यू नो अबाउट माय बर्थडे, वेल लिव सेड हर मॉम मेड हर केक फॉर हर। ओके, डू यू थिंक कुड आई हैव वन? कितना प्यारा है भाई, ऐसे बोल रहे हैं क्या मेरे लिए भी आप एक केक बना सकती हैं? मुझे केक बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक मैं ऐसे बोलता हूँ, मे बी हम लोग साथ में बना सकते हैं, वो अच्छा है। आई विल बी गुड, आई प्रोमिस, मैं अच्छा होऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई प्रोमिस। ओके, हम लोग शॉप करने के लिए बाहर जाएंगे, ये लेना है एंड देन ये लेना है, ले लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग को घर पे आना है। ओ भाई ये गंदा हो गया भाई, इसको मेरे को साफ करना पड़ेगा। क्या बेबी, माय शर्ट इज ऑल वेट एंड ओके, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जल्दी से चल के कपड़े चेंज कर देते हैं इसके, ये पहन लो। अभी लग रहा है ना ब्रो, बर्थडे बॉय अच्छे नए कपड़े के साथ। इज इट नियरली टाइम टू बेक द केक? यस, तो अभी हम लोग केक बनाएंगे। उसको केक बनाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई, उसको केक बनाना है। आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव नेवर हेल्प टू बेक अ केक बिफोर। ओह, हम लोग बना रहे हैं केक। ओ बन गया केक, केक रेडी है। दैट वॉज रियली फन, हम लोगों ने केक बना लिया है। टाइम फॉर माई बर्थडे पार्टी, अभी हम लोग बैठेंगे एंड हम लोग जो है ना क्लाउस को खिलाएंगे ये केक। नाइस, यू गॉट मी अ प्रेजेंट, मैंने इसको एक ये दिया है, गिफ्ट दिया है। ओह आई वंडर व्हाट इट इज, चेक करना ब्रो क्लाउस, चेक कर, मेरे को भी जानना है मेरे क्या। ओ मैंने ड्रॉइंग पेंसिल्स दी है इसको, नाइस। Yes, drawing pencils. You remembered what I wanted. Thank you. You're welcome, Klaus. You're welcome. हम लोग अभी इसकी मदद करेंगे रूम में जाकर ड्रॉ करने में। ओ इसने ये ड्रॉइंग की है, हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं भाई, मदद करते हैं इसकी पूरी ड्रॉइंग करने में। Nice, that was fun. I know, मजा आया ना? Okay, अभी it's time for you to go sleep. I love my new pencils. उसको pencils बहुत ज़्यादा मजा आया। मैं उससे बोल रहा हूँ सोने के लिए, लेकिन वो बोल रहा है can I stay up little longer please? I just don't want my birthday to end. वो बोल रहा है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए और जग सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बर्थडे खत्म हो जाए। हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन इफ तुम सो जाओगे तो तुम और भी ज्यादा बड़े हो जाओगे। हाँ यही बोलूंगा मैं। ओ या यू आर राइट, बेड टाइम फॉर मी देन। गुड नाइट क्लाउस, टुडे वाज रियली फन, आज का दिन बहुत अच्छा था। मैं इससे बोलूं गुड नाइट क्लाउस या बोलूं डिड यू हैव अ नाइस बर्थडे, ये पूछता हूं क्या तुम्हें बर्थडे पसंद आया। आई जस्ट वी विश लिव कुड, बेचारा यार मेरे को बुरा लग रहा है इसके लिए। वुड यू रीड मी अ बैड टाइम, उसको स्टोरी भी सुननी है भाई। ओके मैं उससे बोलता हूँ श्योर, उसको प्रेजेंट्स तो नहीं मिल सकते और गिफ्ट तो नहीं मिल सकते, लेकिन मैं उसको एक कहानी तो सुना सकता हूँ उसके सोने से पहले, श्योर। एक्चुअली तुमने नोटिस किया, जब से मैंने इसको पेंसिल्स दी है ना, तो इसने अभी ये ड्रॉइंग, कितनी सारी ड्रॉइंग्स बना दी है जो कि अभी लगा दी, पहले ये ड्रॉइंग्स नहीं थी। ओके अभी हम लोग आ गए हैं अगस्त 19। हेलो क्लाउस, इसको मैं खाना खिला देता हूँ जल्दी से। इसको ये बोल रहा है कि क्या मैं दूसरा खाना खा सकता हूँ क्या, मतलब कि इसको वार्म डिनर चाहिए है। मैं इसको स्टार्टिंग में भी यही खिलाया था, तो ये बोल रहा है क्या मैं कुछ और खा सकता हूँ क्या। आई नो, मैं एक दिन अच्छी नौकरी ले लूंगा एंड देन हम लोग बहुत सारा खाना खा पाएंगे, मैं यही वाला बोलूंगा। आई नो आई विल गेट अ ग्रेट जॉब विल, ये लास्ट वाला रियली वो वी। ओके मेरे को नौकरी देखनी पड़ेगी, तब तक मैं जो है ना क्लाउस को ये खाना खिला देता हूँ। सिंस इट्स संडे टुडे, हाउ अबाउट वी कैन गो एंड एक्सप्लोर द फॉरेस्ट। ओके तो हम लोग बाहर जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि क्लाउस को बाहर घूमना है, आज संडे है, हम लोग बाहर जाते हैं फॉरेस्ट साइड। और लुक सो मेनी थिंग्स टू पिक, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं पिक करने के लिए। हम लोग ब्लूबेरीज एंड वगैरह दूसरी जो चीजें हैं ना वो फॉरेस्ट से ले रहे हैं। अरे गंदा हो गया भाई ये क्लाउस, इतने में गंदा हो गया। हम लोग फॉरेस्ट में गए गाइस एंड एक्चुअली वहां से ब्लूबेरीज ले आए हैं। के हम लोग घर पे आ गए हैं एंड मेरे को जो है ना जल्दी से चेहरा जो है ना साफ करना पड़ेगा क्लाउस का। एक्चुअली हम लोग उसके कपड़े भी साफ करने पड़ेंगे, कपड़े भी जो है ना थोड़े से गंदे हो गए हैं। ओके रात हो गई है, हमारे पास एक लेटर भी आया है, तो जल्दी से हम लोग लेटर भी पढ़ लेते हैं। वी नीड मोर वर्कर्स एट द ओल्ड फैक्ट्री। ओके हम लोग को एक जॉब मिल गई है, हम इस जॉब में वो कर देते हैं, लाइक अप्लाई कर देते हैं। टैप टू राइट, क्लॉज का बैड टाइम हो गया, आई कैन हेल्प। बेचारा वो बोल रहा है कि मैं ड्राइंग्स बना के हम लोग रुपए कमा सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अच्छा आइडिया है क्लॉज, लेकिन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है।
अभी है मंडे, इसका मतलब कल से इसका स्कूल स्टार्ट होगा। इट्स प्रीटी आउटसाइड, लिव इज बैक टुडे, लिव वापिस आ गया आज के दिन। सी सेड आई कुड गो एंड प्ले विद हर एट नून, वो उसने बोला इससे कि वो दोपहर में आके इसके साथ खेलेगी, मतलब ये उसके पास जाके खेल सकता है। योर जॉब एप्लीकेशन, हम लोग के जो हम लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना उसका हम लोग को आंसर आ गया। वी आर हैप्पी टू ऑफर यू अ जॉब एट अवर फैक्ट्री, प्लीज स्टार्ट योर अर्लीस्ट। ओह ओके, 21st से ही हम लोग को ज्वाइन करना है, मतलब कल से ज्वाइन करना है, कल से इसका स्कूल है एंड कल से ही गाइस मेरे को जॉब के लिए भी जाना है। व्हाट डज इट से, क्या बोला उसमें? गुड न्यूज, आई जस्ट गॉट अ जॉब एट द फैक्ट्री। ओके यही बोलता हूँ मैं। व्हेन डू आई गेट टू हैव अ जॉब, वो बोल रहा है कि मेरे को नौकरी कब मिलेगी। यू सेड कि आप मेरे कपड़े ओल्ड कपड़े को सही कर दोगे, दे आर नाइस, आई लाइक देम, एक्सपेक्ट फॉर द होल्स। अरे यार इसके कपड़ों में होल्स वगैरह है तो मेरे को इसके लिए नए कपड़े भी लेने पड़ेंगे। आई कांट वेट टू प्ले विद लिव, सी यू लेटर। ओके ये लिव के साथ खेलने के लिए चला गया, तब तक मैं जो है ना इसके कपड़े सही कर देता हूँ यहाँ पे बैठ के। ये है इसके कपड़े, ओके सिल दिया मैंने इसको। ओ ये वापिस आ गया। ओके इसने कुछ ड्राइंग्स को छुपाया है गाइस, ये हम लोग से बोल रहा है कि क्या आप उनको ढूंढो। ओके वैसे ब्लूबेरीज लाया था ना, ब्लूबेरीज से मैंने इसके लिए ये सैंडविच बनाया है। लेट हो गया ये अभी इसको। ओ ये रही ड्राइंग, मिल गई, ये थी ड्राइंग्स उसने उस ड्राइंग में, ये लिव के साथ खड़ा था। नाइस, आई वंडर व्हाट इट विल बी लाइक एट स्कूल। ओ ये इसका फर्स्ट डे स्कूल में, इससे पहले ये कभी स्कूल नहीं गया है गाइस। इट्स गोइंग टू बी सो फन, मजा आएगा तुमको, यही करता हूँ मैं। इट्स गोइंग टू बी सो फन, जस्ट रिमेम्बर टू बी नाइस। ओके गाइस अभी है अगस्त 21, आज का दिन है इसके स्कूल का। आई एम स्टार्टिंग स्कूल लाइक अ बिग बॉय, नाइस, एंड इट्स योर फर्स्ट डे एट यू नो, या मेरा भी फर्स्ट डे है मेरी नई नौकरी पे। मे बी सून वी कैन अफोर्ड अ नाइस बैकपैक, उसके पास बैकपैक भी नहीं है। डू यू थिंक यू कुड वॉक मी टू द स्कूल, आई डोंट थिंक आई कैन, बट हाउ अबाउट वी वॉक। ओके क्योंकि मैं उसको स्कूल तक नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं उससे बोलता हूँ कि मैं साइज से कर नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या हम कोई दूसरी तरीके से लाइक कुछ कर सकते हैं, उसी तरीके से जा सकते हैं कुछ तो। ओके मैंने क्लाउस को स्कूल तक जो है ना छोड़ दिया है। द स्कूल इज रियली बिग इजंट इट, हाँ स्कूल बहुत बड़ा है। मैं इससे बोलने वाला हूँ कि सबसे अच्छे से रहना, पोलाइट से रहना, एंड सब लोग समझेंगे कि तुम कितने अच्छे हो, ठीक है यही बोलता हूँ मैं। एंड अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फैक्ट्री से, एंड मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, शाम होने वाली है, होम जाता हूँ मैं, घर पे जाता हूँ। ये क्या हुआ क्लाउस को ब्रो, भाई उसका चेहरा डाउन है। हाउ वॉज योर फर्स्ट डे एट स्कूल, स्कूल में तुम्हारा पहला दिन कैसा था, पूछता हूँ कि क्या हुआ क्लाउस। स्कूल अजीब था एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं कुछ दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे लोग जो है ना मेरी तरफ देखते रहे एंड किसी ने भी मुझसे बात नहीं की। मैं इससे बोलता हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया क्लाउस, साइज से वो तुम्हें जानते नहीं होंगे, वो अच्छा है। इफ उनको पता लगे तो साइज से वो अच्छे हो जाएंगे मेरे से, फिर हम लोग दोस्त बन पाएंगे। आपने बोला था कि अच्छा होगा स्कूल। क्लॉस अब जो है ना मेरे पे थोड़ा सा कम भरोसा करता है गाइस, क्योंकि मैंने उससे बोला था स्कूल अच्छा होगा एंड स्कूल अच्छा नहीं हुआ, लोगों ने परेशान किया है गाइस क्लॉस को। ये बहुत ज्यादा टायर्ड है, आई कुड स्लीप अ होल वीक, इसको सोना है, मैं इसको जल्दी से सुला देता हूँ। आई एम नॉट श्योर आई लाइक स्कूल, इसको स्कूल पसंद नहीं आया, इसको बच्चों ने गाइस परेशान किया है स्कूल में। इवन द टीचर वो भी जो थी ना इतने अच्छे से बात नहीं कर रही थी, ये बोल रहा है। मैं इसे बोलता हूँ कि तुम और भी मेहनत करोगे एंड फिर सारे लोग रेस्पेक्ट करेंगे। या यू आर राइट, मैं से यही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँ। आई गेस आई कैन कीप ट्राइंग, बेचारा मेरे को गुस्सा आ रही है, किसने इसको स्कूल में परेशान किया। अभी है नेक्स्ट डे क्लॉस के स्कूल का। विल गेट द रेस्ट ऑफ अवर वर्क सून, मेरे पास ना ही बैग पैक है, इसके पास ना ही बैग पैक है, जो दूसरे बच्चे हैं उन सभी के पास बैग पैक्स है। मैं इसे ये बोलता हूँ कि मैं जल्दी से बैग पैक ले आऊंगा। रियली Oh wow, I hope we can afford one. यार इसको भी पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसके साथ थोड़ा सा बॉल खेल लेता हूँ एंड जैसे ही स्कूल टाइम हो जाएगा ना फिर मैं इसको स्कूल भेज दूंगा एंड मैं भी काम पे चला जाऊंगा। आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट टू गो, यार उसका मन नहीं है यार, ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास बैग पैक होगा ना तो सारे बच्चे मेरे से अच्छे से बात करेंगे। इसको लगता है कि इसके पास थैला नहीं था इसलिए बच्चों ने इसको परेशान किया। मैंने इससे बोला है कि स्कूल के लिए मैं तुम्हें बैग पैक दिला रहा हूँ लेकिन दूसरे बच्चों के दिखाने के लिए नहीं दिखा मतलब दिला रहा हूँ बैग पैक। ओके मैं फैक्ट्री से आ गया, अभी मैं घर पे जाता हूँ। लेट्स सी, समबडी कॉल्ड मी अ बैड वर्ड टुडे, इसको किसी ने दोबारा से कुछ गलत, इसको किसी ने कुछ गलत बोल दिया है। दे सेड कि आई एम अ बिकॉज आई डोंट हैव अ रियल। यार ये गेम यार कुछ ज्यादा, अभी वैसे भी ये गेम थोड़ा सा
ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूं। ओके, तो किसी ने इसको जो है ना एक गाली दी है एंड बोला है कि इसकी असली फैमिली नहीं है। इसको भी पता नहीं है आई थिंक कि मैंने अडॉप्ट किया है। आई एम ग्लैड यू लाइक अवर फैमिली, आई डू टू, बट दे ऑल हैव मॉम, उन सबके पास मॉम एंड डैड है, नो वन गॉट लेफ्ट बिहाइंड, हु आर माय पेरेंट्स, आई वांट टू नो, यू प्रॉमिस मी। ओके, इसको पता है। और ये गुस्सा हो रहा है एक्चुअली मेरे से। यू सेड यू विल टेल मी व्हेन आई वाज बिग एंड लुक आई एम बिग नाउ। व्हाई व्हाई उन्होंने मेरे को गाली क्यों दी? ये वर्ड है ठीक है, वो इन्होंने इसके ऊपर यूज किया। मैं से बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता है क्लॉज, मैं से बोलता हूँ कि वो लोग जस्ट ऐसे ही नाटक कर रहे होंगे। मैंने गलत बोल दिया। अब मेरे पे और भी कम भरोसा करता है यार ये। बट आई नीड टू नो अबाउट माई पेरेंट्स प्लीज। मैं से बोलता हूँ कि मैं इसके पेरेंट्स के बारे में पता लगाता हूँ। मैं इसको प्रॉमिस कर दिया हूँ कि मैं इसके पेरेंट्स के बारे में सारी जानकारी लेकर इसको बताऊंगा। मैं क्लॉज की जो असली माँ है ना उनको अभी कॉन्टेक्ट करूंगा जाके गाइस। ओके, तो हम को जो है ना क्लॉस की जो मदर है ना उनका नाम पता लग गया है, उनका नाम है सीरी। क्लॉस ने जो है ना अपना स्कूल स्टार्ट कर दिया है एंड लाइक हम लोग को डर था इसका एंड वही हो रहा है। उसको सच जानना है उसके फादर के बारे में। क्या तुम प्लीज मुझे और भी चीजें बता सकते हो? क्लॉस की जो मदर है उसको मैंने मैसेज भेज दिया है। कुड यू मे बी डू समथिंग नाइस? यार इसका मूड बहुत खराब है यार, इसको एक्चुअली बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है स्कूल। थिंग्स चीजें बदल जाएंगी क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ है ना। इवन एज यू ग्रो यू विल ऑलवेज माई लिटिल बॉय, यही बोलता हूँ मैं। आई एम बिग नाउ यू नो, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी खुद की मदद कर सकता हूँ, मैं खुद की केयर कर सकता हूँ, देखभाल कर सकता हूँ। नहीं कर सकता है क्लॉस अभी तो। वेल आई गेस यू आर ओल्डर देन मी, बट आई कैन टेक केयर ऑफ यू। अरे यार कितना अच्छा ये बोल रहा है कि मैं आपकी भी मतलब कि आपकी भी केयर रखूंगा। आई एम सॉरी आई मेड यू अपसेट। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे को सॉरी बोल रहा है। आई डोंट नीड टू नो अनदर पेरेंट्स, आई हैव यू, इट वुड बी जस्ट बी नाइस टू नो अबाउट देम। ये बोल रहा है लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी हो तो अच्छा होगा। मैं से बोलता हूँ कि ओके मैं कोशिश करता हूँ पूरी जानकारी लेने की। ओके, मैंने एक जर्नल भी लिखा है आज के दिन क्लॉस के लिए कि जो क्लॉस जो है ना जब बड़ा हो जाएगा तब ये पढ़ेगा। टुडे आज के दिन मैंने क्लॉस तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता लगाऊंगा, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मैं पता लगा पाऊंगा तुम्हारे आंसर्स, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर। मैं ये जर्नल स्टार्ट कर रहा हूं जो कि मैं तुम्हें दूंगा जब तुम बड़े हो जाओगे, जब इसको तुम समझ पाओगे। इफ मैं तुम्हारे पेरेंट्स की स्टोरी नहीं पता लगा पाया, एटलीस्ट तुमको पता हुआ कि मैंने ट्राई किया। 3 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर पे एक प्रचार को जो है ना आंसर किया था, जहाँ पे 3 साल का बच्चा जो है ना अनाथालय में अडॉप्शन के लिए था। रेफरेंस था कि ये एक वॉर चाइल्ड है, मतलब कि जब लड़ाई होती है ना, वॉर होती है ना, उसमें से जो बच्चे होते ना बचते हैं वो। आई के लिए मेरे को एक चाइल्ड चाहिए था। एंड एज आई होप यू नो इन योर हार्ट योर मदर टोल्ड मी दैट योर फादर वॉज ए जर्मन सोल्जर। एक्चुअली हुआ क्या है कि क्लॉस की जो मॉम थी वो सिर्फ 16 साल की थी जब क्लॉस पैदा हुआ था, तब उनकी शादी नहीं हुई थी क्लॉस के पापा के साथ। एंड अभी जो क्लॉस की मम्मी है उन्होंने शादी आदि कर ली है, उन्होंने ये बच्चे को जो है ना अडॉप्ट करने के लिए लोगों को दे दिया था। एंड अब उन्होंने प्रॉमिस लिया है कि इस बच्चे को उनकी लाइफ से दूर रखा जाए। तो ये सब चीजें मैंने एक डायरी में लिख दी हैं। तो अगर मैं लाइक क्लॉस के पापा के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाता हूँ तो क्लॉस जब बड़ा हो जाएगा तब वो इस चीज को समझ पाएगा। ओके, अगस्त 23 थर्सडे। आई थिंक आज के लिए ये एपिसोड मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट ये गेम जो है एक्चुअली बहुत मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गेम कुछ इस तरीके का मोड लेगा। मेरे को समझ में आ रहा है कि ये गेम की अभी स्टोरी जो है ना वो बस स्टार्ट हुई है एंड आगे जाके ये गेम बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। ठीक है, इस तरीके का मेरे को महसूस हो रहा है। मैं तैयार नहीं हूँ इस गेम में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि साइज से आगे हम लोग को और भी कुछ बुरी बुरी चीजें मिलेंगी। मैं इस पूरे गेम को कम्प्लीट करना चाहता हूँ एंड मैं इसका सेकेंड एपिसोड जल्दी बनाऊंगा। मैं जस्ट उतने अच्छे मूड में नहीं हूँ यार कि मैं क्या बोलूँ मैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।